गैलेक्टस, जो कि एक प्लैनेट खाने वाला कॉस्मिक बीइंग है, और वो जाना चाहता है अपने डिस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन उसमें कितने पावर्स है और उसका ओरिजिन क्या था, क्या वो पहले से ही ऐसा था या फिर ऐसा उसे किसी इवेंट ने बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो यही जानने के लिए। टा एक ऐसा प्लैनेट जो कि बिग बैंग की थ्योरी से पहले एग्जिस्ट करता था, लेकिन भले ही उस प्लैनेट पर बहुत हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती हो, लेकिन फिर भी वो किसी कॉस्मिक इवेंट के वजह से पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर थे, क्योंकि वहाँ पर रेडिएशन पॉइजन पूरी तरह से फैल चुका था और एक ही आदमी उस चीज को ठीक कर सकता था, वो था गैलन। और सब लोगों की उम्मीद वो एक अकेला आदमी था, गैलन, जो कि पूरे टा प्लैनेट को बचा सकता था। गैलन अपनी मशीनरीज के साथ कुछ ऑब्जर्वेशंस करता है और उस रेडिएशन को कम करने के कुछ तरीके ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब में नाकामयाब साबित होता है। तब आखिरकार वो उस कॉस्मिक कुलड्रेन में जाने के लिए एक टीम तैयार करता है और एक स्पेसशिप, जो कुलड्रेन पूरे मैटर को अपने अंदर खींच रहा था उस यूनिवर्स के, और वो इस उम्मीद से अंदर जाता है ताकि वो उसे ठीक कर सके। लेकिन सबको पता था कि वो लोग आखिरकार वापस नहीं आएंगे, जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं। और जाने के बाद होता तो ऐसा ही है, लेकिन गैलन अकेला बच जाता है क्योंकि एक सेंटिनल जो कि मर रहा था क्योंकि उसी कॉस्मिक कोल्ड्रेन में था, वो उसके साथ मर्ज होकर एक नई सेंटिएंट बीइंग को जन्म देता है जो कि था गैलेक्टस। और वो स्पेसशिप उस कॉस्मिक पावर के साथ यूनिवर्स में यहाँ से वहां जा रही थी कि तभी वॉचर की नजर उस पर पड़ती है और वॉचर उस स्पेसशिप को इंस्पेक्ट करने के लिए वहां पर जाता है। भले ही वॉचर का काम सिर्फ चीजों को देखना हो, लेकिन इस बार वॉचर ने अपनी लिमिट्स तोड़ दी थी और उसके इंटरफेरेंस की वजह से लगभग गैलेक्टस जाग जाता है। लेकिन उसे इस यूनिवर्स का खतरा मानकर वॉचर उसे उसी स्पेसशिप में डालकर फिर से वहां से भेज देता है। लेकिन उस स्पेसशिप में गैलन अपने लिए आर्मर और बाकी चीजें बना चुका था और अब उसे जरूरत थी अपने मैच्योर होने की। इस वजह से वो स्पेसशिप को अपने लिए एक चेंबर में कन्वर्ट करता है और एक प्लेनेट के ऊपर वो उसमें मैच्योर होने लगता है और अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है। लेकिन जिस प्लेनेट के ऊपर वो था, उस प्लेनेट पर हमला होने की वजह से वो चेंबर टूट जाता है और वो सभी लोग गैलेक्टस के गुस्से का शिकार बन जाते हैं। और उसी वक्त गैलेक्टस कमजोर हो जाता है उन सबसे लड़ते हुए। तभी वो पासी के उस प्लेनेट को खाकर अपनी पूरी ताकत को रिगेन करता है और तब उसे पता चलता है कि उसे जिंदा रहने के लिए प्लेनेट खाने की जरूरत है। और तब वो बचे कुचे कुछ हिस्सों से अपने लिए एक स्पेसशिप बनाता है जो कि एक पूरे सोलर सिस्टम जितनी बड़ी थी और उसमें सब सुविधाओं के साथ कई सारे हथियार और कई सारी और चीजें भी थी। और क्योंकि गैलेक्टस टा प्लैनेट से था, इस वजह से उसने उस अपने घर को नाम दिया टा 2, और जिसमें कई सारे हथियार और साथ ही बहुत सारी चीजें भी थी। पावर्स, ये एक ओल्डेस्ट बीइंग है पूरी यूनिवर्स की, जो कि बिग बैंग थ्योरी से पहले एग्जिस्ट करती थी और इस वजह से उसने अपनी सारी पावर्स बिग बैंग थ्योरी के दौरान ही हासिल की और इस वजह से वो एक सेंटिएंट बीइंग के साथ एक अमर बीइंग भी बन गया जो कि कई सारी पावर का मालिक है, जैसे कि कॉस्मिक अवेयरनेस, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, एनर्जी प्रोजेक्शन, साइज अल्टरेशन, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मैटर, टेलीपोर्टेशन, फोर्स फील्ड क्रिएट करना, इंटरडाइमेंशनल पोर्टल्स को क्रिएट करना, लाइफ को क्रिएट करना, रिजरेक्शन, मैनिपुलेटिंग सोल्स मेमोरीज और इमोशन के साथ, और साथ ही साथ वो मरे हुए वर्ल्ड्स को भी उनके हर एक डिटेल के साथ फिर से जिंदा कर सकता है, और आखिर में वो अपनी डिस्ट्रॉइंग पावर की मदद से एक साथ कई सोलर सिस्टम तबाह कर सकता है। और अगर बात फिटनेस की जाए तो गैलेक्टस अपनी बेहिसाब भूख की वजह से कई बार मुसीबत में पड़ चुका है और इस वजह से उसे कमजोरी भी आती है, जिस वजह से वो अपनी पावर्स के बिना एक कॉस्मिक बीइंग होते हुए भी कई बार मुसीबत में पड़ जाता है और इसी का फायदा उठाकर कई बार वो हारने की कगार पर पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी उसके शिप में जो अल्टीमेट नलीफायर है और ऐसे ही कुछ आर्टिफैक्ट्स जो उसे कमजोर करके मारने की एबिलिटीज रखते हैं, वही उसकी वीकनेस में गिने जाते हैं। लेकिन ज्यादातर वो एक यूनिवर्सल डिस्ट्रॉयर के तौर पर ही काम पर आता है। जब किसी प्लेनेट की तबाही की बात हो तब गैलेक्टस का नाम उससे ना जुड़े ऐसा नहीं हो सकता। गैलेक्टस की पावर कॉस्मिक पावर है और वो अपनी पावर किसी के साथ शेयर कर सकता है और इस वजह से वो अपने हेराल्ड्स को इस पावर के कुछ हिस्से को देकर अपने काम करवा लेता है और साथ ही साथ उससे वो अपनी पावर्स वापस भी ले सकता है और ऐसा उसने कई अपने हेराल्ड्स के साथ किया है। इसमें से एक है सिल्वर सर्फर,